हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अब कैसी तबीयत है माँ? जिस माँ को अपने बेटे की चिंता लगी हो उसकी तबीयत ठीक कैसे हो सकती है? माँ जी, आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, आप मत बोलिए। कैसे ना बोलूं? तो बच्चे को जन्म देकर मरने चली जाएगी, दुनियादारी से छूट जाएगी। अगर मैं भी मर गई तो रमाकांत और तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन करेगा? रमाकांत? हाँ माँ। तो दूसरी शादी कर ले। मेरी बात नहीं मानेगा? अब तो आपको यकीन हो गया ना नाना साहब कि आपकी बेटी यहाँ बहुत खुश है। हाँ समथन जी, मन में बेचैनी सी थी इसलिए हम मिलने चले आए। मेरी बहू बहुत अच्छी है, इसने मुझे कभी बेटी की कमी महसूस ही नहीं होने दी। अरे मैना, वहाँ क्यों खड़ी है? तेरे माता पिता आए हुए हैं, यहाँ आना आना। तुम कैसी हो बेटी? बहुत खुश हूँ मैं यहाँ, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। और माँ जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आप बताइए माँ कि आप और पिताजी कैसे हैं? जब तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं, क्यों जी? संकोच न करना नाना साहब, पेट भर कर खाना, ये भी आप ही का घर है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है समधन जी। अरे दुर्गा, तुमने रमाकांत की दूसरी शादी के लिए लड़की वर को इनकार क्यों कर दिया? अरे लेकिन तुमने तो आशा, रमाकांत दूसरी शादी नहीं करेगा। दुर्गा तुम भी ना गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। समधन जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो पता नहीं क्यों ये आस पड़ोस वाले रमाकांत की दूसरी शादी के लिए मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये जो आशा आई थी बहुत बड़ा रिश्ता लेकर आई थी, बहुत अमीर घराने का। समधन जी, हमारी बेटी मैना के अंदर कुछ कमी है? अरे नहीं नाना साहब, आप मुझ पर भरोसा रखिए, इतनी अच्छी बहू है मेरी। मैंने तो पूरे मोहल्ले वालों को कह दिया है कि रमाकांत दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करेगा। अरे बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे नाना साहब को श्रीखंड परोस दो। जी बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? लक्ष्मी की माँ, जब कोई जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी में फर्क होता है। हमारी मैना बहुत खुशनसीब है जो इसे आप जैसी माँ समान सास मिली है।
अब हमें मैना की कोई चिंता नहीं है। माँ मुझे आपके साथ, नाना साहब जल्दी कीजिए, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। हाँ हाँ आप ठीक कह रही हैं। नानी चलो, मैना बेटी अपना ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। नहीं बेटी रोते नहीं, इसका बच्चे पर असर पड़ता है और हमारे साथ साईं बाबा का आशीर्वाद है। पिताजी मुझे यहाँ से ले चलिए, ले चलिए। पता नहीं माँ अब आपसे कभी मुलाकात होगी या नहीं। बंद करो ये रोना धोना, ऐसे रो रही है जैसे इसके माँ बाप मर गए हो। माँ जी ऊंची आवाज में बात मत करना वरना तेरा गला घोट दूंगी मैं। माँ बाप से मेरी बुराई करना चाह रही थी है? बोल रही थी मुझे साथ लेकर चलो। बहरी नहीं हूँ मैं, सब सुना है मैंने। बहुत बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिखा दिया तेरे माँ बाप के सामने मैंने। अब जा जा जाकर घर का काम कर। अगर मैंने रमाकांत की दूसरी शादी कर दी होती तो उसके ससुराल वालों ने ये घर सोने चांदी से भर दिया होता। पर मेरी किस्मत ऐसी कहाँ, मेरे नसीब में तो तू मनहूस है ना, कंगाल माँ बाप की कंगाल बेटी। आँख फोड़ के मत देख, मुझे जल्दी से मेरा पोता दे दे और अपनी सांसें भगवान को दे दे। दूसरों के मरने की इच्छा रखने वाले क्या खुद अमर होते हैं? नहीं, यहां कोई अमर नहीं। एक दिन सबको मिट्टी के बने शरीर को त्यागना ही है, फिर ये नफरत क्यों, प्यार क्यों नहीं, एक दूसरे से दुश्मनी क्यों, दोस्ती क्यों नहीं? जिंदगी छोटी है, डूबता हुआ रोज का सूरज हमें मौत की तरफ ले जा रहा है। इस सत्य का साक्षात्कार होते हुए भी हम मालिक की भक्ति क्यों नहीं करते, क्यों आसक्तियों में ही डुबकियां लगाते रहते हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण ही हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और इस जन्म की सार्थकता तभी है जब हम इस जीवन में कृतज्ञता से मालिक को याद करके उसकी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। नफरत हमें मालिक से दूर ले जाती है और प्यार मालिक के करीब ले जाता है। ये बात कब समझेगा महालसापति, कब कब समझेगा इंसान? माँ कैसे है वैद्य जी? देखिए रमाकांत, मैं वैद्य हूं, गलत नहीं कहूंगा। दुर्गा अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये दवाई की शीशी लो और हर दो घंटे पे दो दो बूंद पिला देना। इसके पीने से इन्हें मरने में तकलीफ कम होगी। इनका दिल बहुत कमजोर हो गया है, इन्हें किसी भी वक्त
दिल का दौरा पड़ सकता है और उसी से इनके प्राण भी जा सकते हैं। दिल का दौरा ना पड़े उसके लिए कुछ किया जा सकता है वैद्य जी? सिर्फ आराम, इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ मत दो, नाराज मत करो, क्रोधित मत करो, इनकी हर इच्छा को पूरी करो। जो भी ये चाहती हैं उससे इनकार मत करो, क्योंकि इनकार करने से इन्हें गुस्सा आएगा और गुस्सा करने से खून उबलेगा, वो खून ही इनके दिल के दौरे का कारण बन सकता है। ऐसा नहीं होगा वैद्य जी, ऐसा नहीं होगा। हम माँ जी की हर इच्छा पूरी करेंगे। माँ जी आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सब नाटक है। कोई सुखी होने का नाटक करता है तो कोई धनवान होने का, कोई सेहतमंद होने का नाटक करता है तो कोई बीमार होने का, कोई अज्ञानी होने का तो कोई ज्ञानी होने का नाटक करता है। हर कोई यहाँ नाटक करता है, हर कोई बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऐसे लोग दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, मालिक की आंखों में नहीं। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि नाटक पर एक न एक दिन तो पर्दा गिरना ही है। कोई तो है जो नाटक करके बाबा के भक्त को सता रहा है। लेकिन बाबा इस नाटक का मजा ले रहे हैं ना? अब कैसी तबीयत है माँ? जिस माँ को अपने बेटे की चिंता लगी हो उसकी तबीयत ठीक कैसे हो सकती है? माँ जी आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, आप मत बोलिए। कैसे ना बोलूं? तो बच्चे को जन्म देकर मरने चली जाएगी, दुनियादारी से छूट जाएगी। अगर मैं भी मर गई तो रमाकांत और तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन करेगा? रमाकांत? हाँ माँ। तो दूसरी शादी कर ले। मेरी बात नहीं मानेगा। माँ मैं ना माँ को दवाई दो। माँ जी की दवा तो आप है। याद है ना आपको वैजी ने क्या कहा था? इनकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, और आपने वचन भी दिया था। कह दीजिए माजी को कि आप दूसरी शादी के लिए राजी हैं। कह रहे हैं ना आप? माजी बताइए ना माजी को। अपना अपमान सहकर भी जो अपमान करने वाले को सम्मान देता है वो इंसान दिल से सच्चा और अच्छा होता है, नेक होता है। अपनी निंदा करने वाले की भी जो प्रशंसा करता है वो इंसान सज्जन है। अपनी मौत की इच्छा करने वाले को जो जीवन देने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी के लिए मालिक से दुआ मांगता है, वो महान है। सुख दुख सहते हुए भी जो दूसरों को सुख देना चाहते हैं वो लोग मुझे प्रिय हैं।
मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ माँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा माँ, मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। हाँ माँ, तू मेरा अच्छा बेटा है, बस मेरे मरने से पहले दूसरी बहू ला दे, लाएगा ना? हाँ हाँ, दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन उसी खड्डे में वो भी गिर सकते हैं। उन लोगों को क्या कहें जो अपनी बदनसीबी को खुद दावत देते हैं। वो मालिक भी क्या क्या खेल खेलता रहता है। कैसी कैसी लीला रचाता है। दे दो अपने कर्मों का हिसाब, दे दो दे दो दे दो। सबका मालिक एक। अरे वैद्य जी ने तो रमाकांत को सचमुच डरा दिया कि मैं बस थोड़े ही दिनों की मेहमान हूँ। तूने उन्हें रुपए दे दिए थे ना? पूरे 25 सिक्के दिए थे। अरे आखिर तुझे दिल का दौरा जो पड़ने वाला था। दुर्गा बहन, हाँ? तुम्हारी बहू इधर ही चली आ रही है। हाँ? हाँ? अरे आशा मासी, आप कब आई? अभी अभी बस आकर ही तो बैठी हूँ। अच्छा सुनो, तुम अपनी सासू माँ की सेवा तो करती हो ना? मैं ना दुर्गा को जल्दी से खिला पिला कर तंदुरुस्त बना दो। लड़की वाले चाहते हैं कि अगले 8-10 दिनों में रमाकांत की दूसरी शादी हो जाए। बाबा, मेरा और मेरे नाना नानी का विश्वास है कि आपकी मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। आप भक्त वत्सल हैं, हमेशा भक्तों के बारे में ही सोचते हैं। इनकी दूसरी शादी होने वाली है, शायद इनकी दूसरी शादी में ही मेरी कोई भलाई होगी जो आप फिर से इनकी शादी करवा रहे हैं। बाबा, मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है। मेरी चिंता मुझसे ज्यादा आपको है। हमसे कोई अपराध हुआ है साईं बाबा, तो उसकी सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन मैना बेटी को होने वाली तकलीफों से बचा लीजिए साईं बाबा। मेरे हिस्से में जितना भी सुख है वो हमारी बेटी को दे दीजिए। नाना, नानी, और उसके हिस्से में जितने भी दुख है वो मुझे दे दीजिए। बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा मैना बेटी के साथ रहने दीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। बाबा बताइए,
बताइए बाबा, हमारी बेटी कैसी है? आप ही ने मेरे सपने में आकर मैना बेटी के बारे में पूछा था, लेकिन आंख होते हुए भी हम अंधे हो गए थे बाबा, कान होते हुए भी हम बहरे हो गए थे। पढ़े लिखे होने के बाद भी हम ये नहीं जान सके कि जो आंखों से दिखता है और जो कानों से सुनाई देता है, कभी कभी वो सच नहीं होता बाबा, कभी कभी वो सच नहीं होता। हमें सच बताइए बाबा, सच बताइए। मैना दीदी के पति ने दूसरी शादी कर ली है। बाबा, रो मत नानी, नाना रो मत। नसीब है बाबा। नहीं नानी, तुम्हारी मैना खुश नसीब है। हमारे दामाद ने दूसरी शादी कर ली बाबा, और आप? जो होता है नाना अच्छे के लिए होता है, मालिक दयालु है। मैना दीदी पर उसकी कृपा है, इसलिए तो उसके पति ने दूसरी शादी की है। ये दूसरी शादी मैना दीदी के लिए सुख स्वास्थ्य और मना शांति लाएगी। बाबा, आपकी बात समझ में नहीं आई। उसकी लीला भी तो इंसान की समझ से परे है नाना। मालिक जो चाहता है वही होता है। निश्चिंत होकर जामनगर चले जाओ, मैना दीदी की चिंता उसी पर छोड़ दो। जो आ गया बाबा।